अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राम जी, आपने हमारे परिवार की रक्षा इतने बड़े संकट से की और वरदान जी की रक्षा की। बस ऐसे ही अपनी कृपा हमारे पूरे परिवार पर बनाए रखिएगा। तिजोरी से चोरी हुए थे, लेकिन ये यहाँ कैसे आए? ये किसका काम हो सकता है? तुम्हारी सजा ये है कि आज हम तुमसे इस घर की भव होने के सारे हक छीनते हैं और आज से इस घर की भागदौड़ कालिंदी संभालेगी। तिजोरी की चाबियां तो वरदान जी के मेहमान के पास थी, इसका मतलब तिजोरी से 20 लाख रुपए उसने चुराए। जब वरदान जी अपनी जान के लिए लड़ रहे थे तब भी उसने ये पैसों का बैग छुपा कर रखा। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर वरदान जी को कुछ हो जाता तो माँ का क्या होता, हमारी बेटे का क्या होता, हमारी बच्चे का क्या होता। बस आज उसने सारी हदें पार कर दी है। वरदान जी की जान को संकट में डालने की कीमत अब उसे चुकानी होगी। हमें इस सच्चाई तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। कल तक मुझे पैसे किसी भी हालत में अभिनव तक पहुंचाने होंगे, लेकिन उसके बाद क्या? आज जो इस घर में कांड हुआ है, ये लोग मुझे किसी भी हालत में इस घर में नहीं रहने देंगे। नहीं नहीं नहीं, ये खेल तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मैं मिसेस वरदान तिवारी बनके 500 करोड़ की मालकिन ना बन जाऊं। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वरदान खुद जिस घर से बाहर निकाले जाने से रोक ले। आप गर्ल हो ना तो ये वाला हाथ, आ ये वाला बाया हाथ। हम ये धागा क्यों बांध रहे हैं दादी?
बुरी नजर से बचने के लिए। किसकी बुरी नजर से? है कोई जिसके आते इस घर में संकट के बादल छा गए। आज उसकी वजह से इस घर में अनर्थ हो जाता, और तो राम जी की कृपा है कि संकट टल गया। मिठी, आप चाहे भैया से जितना भी गुस्सा हो जाए, लेकिन आपके दिल में भैया के लिए जो चिंता है कभी कम नहीं हो सकती। रमा, अब डॉक्टर ने कहा ना कि अब वरदान खतरे से बाहर है। एक बात तो माननी पड़ेगी, क्या कमाल का नाश्ता कराया था उन बदमाशों ने, और पिज्जा तो इतना स्वादिष्ट था, हम तो इटली पहुंच गए थे। अच्छा, आज तक आगरा तो घुमाने नहीं लेकर गए, बात कर रहे इटली की। चलिए आज आपको शरीफों के हाथ का बनाया नाश्ता खिलाते हैं। ठीक, ऑल द बेस्ट। मीठी, चीकू, चलो नाश्ता करते हैं। चल। हाँ, आराम करो। हमको बहुत जरूरी बात बतानी है। नहीं, सबसे पहले तुम अपना बायां हाथ आगे करो। कालिंदी की बुरी नजर से सबसे ज्यादा रक्षा की जरूरत तुम्हें है, खास तौर से तब जब हम जान चुके हैं कि वो औरत पैसों के लिए वरदान जी की जान तक को संकट में डाल सकती है। क्या? जो पैसे तिजोरी से गायब हुए थे वो हमें मंदिर के पीछे एक बैग में मिले। अब ये काम वरदान जी की मेहमान के अलावा किसी और का तो हो नहीं सकता ना। बीस लाख रुपए घर ही में थे, यहाँ वरदान की जान पर बनाई थी, और फिर भी ये लड़की ने पैसे छुपा के रखे। हे भगवान, ये कैसे लड़की गले पड़ गई वरदान के? माँ, हमें भी ये बात जानकर बहुत आश्चर्य हुआ, और अब तो हमें वरदान जी और घर वालों के लिए बहुत डर लग रहा है। वो औरत पैसों के लिए किसी की भी जान खतरे में डाल सकती है। बस बहुत हुआ, अभी हम उसके सच्चाई वरदान पूरे घर वालों के सामने लेकर आएंगे। माँ नहीं, माँ 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 सुनिए, नहीं, आपको और हमें पूरा विश्वास है कि ये काम उसका किया हुआ है, लेकिन अभी हम ये बात साबित नहीं कर पाएंगे। क्यों? वो औरत फिर से कोई झूठी कहानी बनाएगी और वरदान जी उसकी बातों में आ जाएंगे। आखिर काला जादू जो कर रही है वो वरदान जी पर। ये तुम क्या कह रही हो केतकी? हाँ माँ, उसके खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए हम नैना के साथ उसके घर गए थे, और उसके अलमारी में ना हमें काला जादू का सामान मिला, और कुछ रंग बिरंगी तीलियां भी मिली, और माँ वही तीलियां हमें अपने घर में तुलसी के पौधे में खड़ी हुई मिली। हाय राम, हमें तो समझ नहीं आ रहा है कि वरदान की आंखों में इसे ये कालंदी की पट्टी को हम कैसे उतारे हैं। उतरेगी माँ, झूठ और छल की पट्टी वरदान जी की आंखों से जरूर उतरेगी, लेकिन उससे पहले हमें पता करना होगा कि उस औरत का उद्देश्य क्या है। इतने पैसों का वो करना क्या चाहती है? आखिर क्या है उसका खेल?
संकट बुरी नजर की वजह से नहीं बल्कि मुझ पर इसलिए आया क्योंकि मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया था। दुनिया में ऐसी कोई माँ नहीं है जो अपने बच्चे को डांट के अकेले में रोई ना हो। हम तुमसे नाराज इसीलिए है बरतान क्योंकि हमें तुम्हारी चिंता है। अपने बेटे को गलत राह पर चलते हुए हम नहीं देख सकते। देख लेना बुरे वक्त में केत की अपने जान की चिंता ना करते हुए तुम्हारी जान बचाने के लिए उन गुंडों से लड़ पड़ी। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि केतकी को अकेला करके उसके होते हुए दूसरी औरत को घर लाकर तुमने सही किया? वरदान ने सही किया है गलत ये नहीं पता लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं जानती हूं कि अगर अभी मैं कोई सफाई दूंगी भी तो भी कोई मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगा लेकिन मैं तो सिर्फ इस घर की बागडोर संभाल के सबको खुश करना चाहती थी। लेकिन ठीक है शायद इस घर की बहू बनना मेरी किस्मत में ही नहीं है इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ये घर छोड़ के जा रही हूं। और अगर वरदान मुझे रोकने की कोशिश करेगा मैं तब भी नहीं रुकूंगी। तुम्हें कोई नहीं रोक रहा। तुम्हारी वजह से मेरे परिवार की जान खतरे में आ गई थी। मुझे गोली लगी इस बात का दुख नहीं है मुझे लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी मां की जान खतरे में थी। और मेरी मां को दुख देने की कोई माफी नहीं हो सकती। सुनो अपना कोई भी सामान यहां भूलना मत क्योंकि इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलने वाले। इतनी आसानी से पीछा छोड़कर जाने वालों में से तो नहीं है ये। जरूर इसमें भी इसकी कोई चाल है। समय बुरा चल रहा है आपके पोते का। उसकी कुंडली में मार्केश दोष है। हाँ, कुछ दिन पहले भैया का एक्सीडेंट भी हो गया था। हमें तो लग रहा है ये सब कुछ इसी वजह से ही हो रहा है। मीना, हमें तो बस तुम्हारी लल्ला की चिंता हो रही है। लेकिन पंडित जी इस दोष को दूर करने का कोई तो उपाय होगा। पत्नी का योग अगर अच्छा हो तो राहु केतु का प्रभाव पति की कुंडली पर कम हो सकता है। बहू के ग्रहों की दशा अनुकूल हो तो वो सारे परिवार को दुर्दशा से बचा सकती है। बेटी मुझे जरा तुम्हारी कुंडली दिखाना। जी भौरिया जाओ जाके कुंडली लेकर आओ। याद तो है ना तुम्हें कहाँ रखी है? जी दादी हम अभी लाते हैं। लेकर आ रही पंडित जी। हमारी कुंडली तो इसी अलमारी में रखी थी फिर कहाँ गई? अभी से इतनी क्यों देर लग रही है लाने में? अरे दादी आ गया होगा उसके मायके से कॉल। लग गई होगी अपने भैया भाभी से बतियाने। आप रुकिए हम देख कर आते हैं। हाँ जाओ। माँ ने हमारी कुंडली कहीं और तो नहीं रखी?
एक बार पंडित जी से मिलाते हैं। पूछना भी था कि घर की शांति के लिए क्या पूजा करानी चाहिए। केतकी तो यहाँ है ही नहीं, कुंडली लेने और कहाँ चली गई? मैं ले लेती हूँ। नमस्ते पंडित जी। पंडित जी, हम क्या सोच रहे थे कि घर में शांति के लिए हवन करवा दें। तुम पहले अपनी बात रोक के रखो, पंडित जी को लल्ला की कुंडली देख लेने दो। दो, ये लीजिए पंडित जी। अति उत्तम, आपकी बहू तो आपकी रक्षा कवच सिद्ध हुई। आपके परिवार पे और खास करके वरदान पे बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी, लेकिन आपके बहू की ग्रह दशा इतनी अच्छी है कि उसने सारे दोष परिवार को बचाने के लिए अपने ऊपर ले लिए। ऐसा समझिए कि आज अगर वरदान की जान बची है तो वो सिर्फ आपकी बहू की वजह से। जब तक वो इस परिवार के साथ है, आपका परिवार सुरक्षित है। लेकिन पंडित जी, इसका हमारी बहू पर कोई दुष्परिणाम तो नहीं होगा ना? जब मनुष्य किसी और का दोष अपने ऊपर लेकर उसकी रक्षा करता है तो कोई ना कोई शारीरिक असहजता हो सकती है। इसका मतलब हमें केतकी का ज्यादा ध्यान रखना होगा। ये लीजिए पंडित जी, माफ कीजिएगा, वो कुंडली लाने में थोड़ी सी देर होगी। ये हमारी कुंडली। क्या हुआ माँ, हमने कुछ गलत बोल दिया क्या? अगर ये इनकी कुंडली है तो फिर ये किसकी कुंडली है? कालिंदी शुभोदीप दास, ये कौन है? सुषमा, ये कालिंदी की कुंडली कहां से लेकर आई तुम? दादी, कुंडली तो वरदान की अलमारी में ही रखी थी। वही से लेकर आए हम। इस लड़की की हालत देखकर यह स्पष्ट हो गया कि वरदान पर और इस घर पर जो संकट आया था उसे इसने अपने ऊपर ले लिया। क्या हुआ मां, किस बात का शोर? कालिंदी, क्या हुआ इसे? कालिंदी बेटा, आज जो तुम जीवित हो वो इस लड़की का उपकार है। इसकी ये हालत इसलिए है कि इसने तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारा कुंडली दोष अपने ऊपर ले लिया।
अब इसका ध्यान रखना तुम्हारा कर्तव्य है। लल्ला इसे ऊपर ले चलो, तुम्हारी रक्षा करने के लिए इसने अपना ये हाल बना लिया है, ले चलो ऊपर इसे। अरे लल्ला सोच क्या रहे हो, ले चलो ऊपर इसे। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। ये लड़की इस घर की बहू बनने योग्य थी, काश इसका विवाह वरदान से हुआ होता। हमने बैग तो यहीं रखा था, फिर यहाँ से कहाँ गया? आज तो चोरी करने में सफल हो गई, लेकिन बहुत जल्द हम इसका असली चेहरा सबके सामने ला कर रहेंगे। बस अब उसके ये बैग लेकर घर से बाहर जाने का इंतजार है। ये पैसे का बैग चुरा कर जिसे देने जा रही है, वसीब पर उसका चेहरा दिख जाए, बस फिर इसका खेल खत्म।